लुब्रिकेशन ऑयल प्रेशर लो। दोस्तों ये वाला जो अलार्म है, इस अलार्म में तीन तरह का फॉल्ट आता है। तो दोस्तों अभी तो हम एक तरह का फॉल्ट का काम करेंगे और दूसरा फॉल्ट जो तीसरा दो और जो दो फॉल्ट है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो अपना ये मोटर है, लुब्रिकेशन वाला मोटर, अगर इस मोटर में कोई सा भी ख़राबी अगर आए, जैसे मोटर जल गया हो, तो आपका क्या है मतलब ये वाला अलार्म आएगा। दूसरा जो इसका कपलिंग है वो अगर मतलब टूट गया है तो भी ये वाला फॉल्ट आएगा। तीसरा जो है ये जो मोटर है, कपलिंग है, कपलिंग के नीचे मतलब टैंक के अंदर और एक पंप रहता है, अगर वो वाला पंप में कोई दिक्कत होगा तो ये वाला अलार्म आता है। तो तीन तरह का अगर फॉल्ट है तो ये वाला अलार्म आता है। और दोस्तों अभी हम लुब्रिकेशन का जो कपलिंग है वो कपलिंग को चेंज करेंगे और किस तरह चेंज करेंगे वो भी दिखाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपना चैनल में कृषि संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मेंटेनेंस का वीडियो अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों मोटर को खोल दिया है, लुब्रिकेशन वाला जो मोटर है उस मोटर को खोल दिया है, बाहर निकाल लेंगे उसके बाद में। तो दोस्तों मोटर खोल के साइड भी कर दिया है और अभी कपलिंग को देख लेते हैं, कपलिंग किस तरह से टूटा हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए जो रबड़ है, कपलिंग का जो रबड़ है मतलब वो टूट गया है, और मोटर का जो कपलिंग है वो भी टूट गया है, और सेफ्ट में जो कपलिंग लगा हुआ है वो भी टूट गया है। तो दोस्तों तब तक कपलिंग को बाहर निकालना पड़ेगा और किस तरह से निकालेंगे वो भी दिखाएंगे इसी वीडियो में। और दोस्तों कपलिंग निकालने के लिए जो सेफ्ट जो अंदर वाला जो कपलिंग है उसको निकालने के लिए काफ़ी थोड़ा दिक्कत होता है, और इसमें दोस्तों एक एलेंकी भी लगा हुआ रहता है, उस एलेंकी को लूज करना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए कपलिंग को निकाल लेते हैं और मोटर को भी साइड करवा देते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपना चैनल में क्रेशर संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मेंटेनेंस का वीडियो अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई सा भी वीडियो देखना है या कोई सवाल करना है उसके बारे में कमेंट कीजिएगा, कमेंट का उत्तर देंगे या उसके बारे में वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों तब तक कपलिंग को, तो दोस्तों हम अभी कपलिंग को खोलने का कोशिश कर रहे हैं और आप मतलब एक पुलर है अपने पास, उस पुलर से खोल रहे हैं। और दोस्तों कपलिंग के अंदर छोटा सा एक एलेंकी रहता है जिसमें सेफ्ट से टाइट रहता है, कपलिंग के बाजू से और सेफ्ट में जाके टाइट होता है, और उस एलेंकी को अगर नहीं निकालेंगे मतलब लूज नहीं करेंगे तो निकालने का दिक्कत होगा, उसको लूज कर दीजिएगा और आसान तरीके से मतलब पुलर हो या किसी चीज़ से हो उसको धीरे धीरे निकालने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों हम भी तब तक मतलब निकालने का कोशिश करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपना चैनल में कृषि संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मेंटेनेंस का वीडियो अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों कपलिंग जो है थोड़ा निकालने का दिक्कत होता है, तो दोस्तों हम तब तक निकाल लेते हैं और जो अपना जो मोटर है दोस्तों इस मोटर को भी बाहर निकाल देते हैं, तब तक मोटर का भी काम होगा और ये सेफ्ट में भी काम होगा। जो पंप है मतलब जो दो तरह का जो कपलिंग है तो दोनों कपलिंग को दोनों तरफ से काम होगा, एक मोटर में हो और एक सेफ्ट में। तो दोस्तों इसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद मोटर का जो पुलर है मतलब कपलिंग है उसको भी लगवा देते हैं। तो दोस्तों अपना जो कपलिंग है वो निकल गया है और अभी नया वाला जो कपलिंग है उसको डाल देते हैं, अंदर का जो कपलिंग है उसको डाल देते हैं। और दोस्तों कपलिंग दो तरह का रहता है, जो छोटा साइज में मतलब सेफ्ट का जो छोटा है वो नीचे वाला हिस्से में डालना है और सेफ्ट में जो बड़ा है मोटर में लगाना है, क्योंकि दोस्तों बड़ा को मोटर में लगाना है और छोटा का मतलब नीचे लगाना है। तो दोस्तों हम तब तक लगा देते हैं और अंदर का जो एलेंकी है उसको टाइट करना है और सेफ्ट से मतलब जो सेफ्ट है कपलिंग के एकदम लेवल नहीं रखना है, सेफ्ट से 10 mm जैसा ऊपर रखना है दोनों कपलिंग को, मतलब सेफ्ट से 10 mm ऊपर में।
इस तरीके से हम लगा रहे हैं और अभी जो सेफ्ट मतलब एलिंक है उसको टाइट कर रहे हैं। तो दोस्तों तब तक टाइट कर लेते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपना चैनल में कृषि संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मेंटेनेंस का वीडियो अपलोड होता रहता है। और दोस्तों आपको किस तरह का वीडियो देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का आवाज़ मतलब उत्तर देंगे या उसके बारे में वीडियो बना देंगे। दोस्तों नीचे वाला जो कपलिंग है वो हमने टाइट कर दिया है और घुमा के भी देख लिया है। तो दोस्तों अभी जो मोटर का जो कपलिंग लगा हुआ है उसको मतलब कूलर से पहले कूलर से मतलब खोलने का कोशिश किया पर खोल नहीं रहा था, तो इसीलिए हम आगे कूलर लगवा दिया है और थोड़ा सा गैस कटर से गर्म कर दिया है। तो दोस्तों गर्म करते वक्त मतलब आपको ध्यान देना है जो उसमें जो सील लगा हुआ है मोटर में वो सील मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, और हल्का गैस कटर में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का प्रेशर में सिर्फ गर्म करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो सेफ्ट भी गर्म हो जाएगा। सेफ्ट गर्म नहीं होना चाहिए, मोटर भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटर गर्म होगा सेफ्ट गर्म होगा तो उसमें जो ऑयल सील लगा हुआ है मोटर में वो ऑयल सील ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको क्या है प्रेशर नहीं देना है गैस कटर में, सिर्फ हल्का गैस और हल्का ऑक्सीजन देके मतलब गर्म करना है। ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें जो सील लगा हुआ है वो जलने का चांस रहेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे खोल लेते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपना चैनल में कृषि संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मेंटेनेंस का वीडियो अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों निकालने के लिए तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई है, तो दोस्तों अपना लोक मतलब लूज भी हो गया है और दोस्तों खोल भी गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, पर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा निकालने के लिए। तो दोस्तों धीरे धीरे निकाल भी लेते हैं। निकालने के लिए दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो थोड़ा गर्म कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब इतना गर्म नहीं करना है कि सेफ्ट गर्म हो जाए, ऐसा गर्म नहीं करना है, सिर्फ कपलिंग को ही गर्म करना है, मोटर गर्म नहीं होना चाहिए और सेफ्ट गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ कपलिंग को ही गर्म करना है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों अपना कपलिंग जो है वो निकल गया है, और अभी देखते हैं सेफ्ट अगर गर्म होगा तो सेफ्ट में थोड़ा बहुत पानी डाल देगा। दोस्तों यह है अपना पुराना वाला, एक मतलब बिल्कुल टूट गया है, जो उसको जो दांता है कपलिंग का वो दांता टूट गया है। तो दोस्तों अपना सेफ्ट थोड़ा बहुत गर्म हो गया था तो उसको ठंडा कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा पानी से कपड़ा लेके थोड़ा इधर उधर सफाई भी कर रहा हूँ और ठंडा भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो कपलिंग है, नया वाला जो कपलिंग है उसको लगवा देते हैं। ये है अपना नया वाला कपलिंग, और इसको लगवा देते हैं। तो दोस्तों इसको ज़्यादा अंदर डालना नहीं है, मैक्सिमम सेफ्ट से मतलब 10 से 15 mm बाहर रखना है। तो दोस्तों 10 से 15 mm बाहर रखने का कारण ये है, तो जैसे हमने कपलिंग को बैठाएंगे और मोटर को टाइट करेंगे तो ये अपना अपना पोजीशन पे आ जाएगा। अगर ज़्यादा अंदर दे देगा तो बाद में अपना पोजीशन नहीं मिलेगा, मतलब ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत लगा हुआ रहेगा, और ज़्यादा बाहर करके रखेगा जैसे 20 mm हो या 10 mm हो या 15 mm हो, अगर इसको बाहर रखेगा तो जब मोटर को फंडीशन में टाइट करेंगे, मोटर को जब टाइट करेंगे उल्टा करके, तो उस टाइम वो क्या है अपना पोजीशन में बैठ जाएगा और धीरे धीरे दोनों जो कपलिंग है एकदम जॉइंट में बैठ जाएगा। अगर ज़्यादा अंदर दे देगा तो मतलब तो अंदर है ये है, मतलब अंदर तरफ है ये है, तो नीचे जाकर बैठेगा नहीं,
बैठेगा तो थोड़ा बहुत बैठेगा, चलेगा और बाद में टूट जाएगा। और ज़्यादा बाहर रखेंगे इसको तो जब मोटर को टाइट करेंगे तो अपना पोजीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों किस तरह बैठना है वो भी दिखाएंगे। तो हमने अभी जो किया हूँ वो मोटर से मैक्सिमम 10 mm इधर किया हूँ, तो मोटर से 10 mm इधर किया हूँ। और मतलब आपको ऐसे ही करना है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 10-15 mm जैसे रखा हूँ, आप 20 mm भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब मोटर टाइट होगा वो अपना पोजीशन पे आ जाएगा। तो दोस्तों मोटर को भी बैठा देते हैं, तब तक मोटर को जगह पे लेके जाते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काम करते वक्त बहुत ही दिक्कत होती है वीडियो बनाने की। और ऐसा ऐसा कोई कोई वीडियो तो हम मतलब बना भी नहीं पाते काम के सिलसिले में, कि कोई शूट भी नहीं कर पाते क्योंकि कैमरा ज़रूरत नहीं है, पहला काम ज़रूरी है अपना, और जो फ्री रहता है उसको दे के हम वीडियो बना लेते हैं। क्योंकि दोस्तों काम करते करते मतलब अगर ऐसा पोजीशन आ जाता है कि वीडियो करने का मकसद नहीं मिलता है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो भी अच्छा नहीं शूट होता, क्योंकि काम करना पड़ता है और एक एक हाथ से वीडियो भी बनाना पड़ता है, बहुत ही दिक्कत होती है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों एक कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगता, पर अपने को वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मोटर को हमने बैठा दिया है, और मोटर को बैठाते वक्त मतलब एकदम से जाके तो फंसेगा नहीं, तो मोटर को सीधा लेवल पे रखना है और उसका जो मतलब सेफ्ट है, सेफ्ट को थोड़ा बहुत घुमाना है, मतलब हल्का घुमाना है। जैसे आप हल्का सा घुमाएंगे और दोनों कपलिंग का बीच में मतलब जाके बैठ जाएगा। जब तक आप मतलब ये नहीं सेफ्ट नहीं घुमाएंगे तब तक बैठेगा नहीं। मतलब आप मोटर को बैठा देगा तो सोचेंगे कि अपना पोजीशन पे आ गया है, तो नहीं आएगा, नहीं आएगा जब तक आप सेफ्ट नहीं घुमाएंगे। देखिए हम सेफ्ट घुमा रहा हूँ, तो जैसे सेफ्ट घुमाएंगे तो अपना पोजीशन में आ जाएगा, मोटर थोड़ा डाउन में हो जाएगा। डाउन होने के बाद आप मतलब फिर से घुमाने का सेफ्ट को, और घुमा के आपको पता चलेगा कि हाँ घूम रहे, तो उस टाइम आपको समझ लेना है कि अपना मोटर बैठ गया है। तो जैसे ही दोस्तों बैठ जाएगा उस टाइम आप मोटर को टाइट कर देना है। तो दोस्तों अपना मोटर फिटिंग हो चुका है, और अभी दोस्तों बाहर का जो मतलब कवर है उस कवर को लगवा देते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपना चैनल में क्रेशर संबंधित छोटा हो या बड़ा हर कोई मेंटेनेंस का वीडियो अपलोड होता रहता है। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं लगता, पर अपने को वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों लाइक कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अपना काम हो चुका है, अगर आपको कोई सा भी रिसर्च के बारे में कोई सा भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको किस तरह का वीडियो देखना है। किसी के बारे में कुछ सवाल करना है तो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हिसाब से वीडियो बनाएंगे या आपका कमेंट का उत्तर देंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।